Hello learners, today we will discuss economic planning, its meaning, concept, need, objectives and types of economic planning or five-year planning, which covered the syllabus of BA final 6th semester, unit 3rd. This is the part 1 and second part mein hum iska karenge achievements and failures, successes of five-year plans and Niti Aayog. So, first of all, we will discuss why there is a need for economic planning. After independence ke baad, desh ki jo situation thi, desh ki jo condition thi, wo kaafi stagnant thi aur backward thi. Us condition se nikalne ke liye, jo leaders the, us independent India ke, unhone kuch aise strategy, ek aisa economic system hume chahiye tha, jo ki desh ko, jo ye hamari samasyaein hain, unse ubhar sake, unse nikalne ke liye. Jaise vicious circle of poverty means, jab arthavyavastha nirdhanta ke duschakar mein phansi rehti hai, arthat, लो इनकम के कारण लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट के कारण लो कैपिटल फॉर्मेशन, और दोबारा से फिर वो लो इनकम, वो वाला विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी है हमारे पास, वो निर्धनता का दुष्चक्र है, वो चलता रहता है. उससे उभरने के लिए कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम हमें चाहिए था ताकि अर्थव्यवस्था को उससे उभारा जा सके. इसी तरह से फॉरन ट्रेड जैसा कि हमें पता है कि फॉरन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी. नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारे जो उद्योग हैं उनका विकास किया जा सके, उसके लिए भी हमें अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता थी. कुछ ऐसी प्लानिंग हो जिससे कि अर्थव्यवस्था जो हमारी पिछड़ी हुई है उससे हम बाहर निकल सके. पॉपुलेशन प्रेशर, देश में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, उस पॉपुलेशन प्रेशर को उसको गुजारा करने के लिए हमें कुछ ऐसी इकोनॉमिक प्लानिंग, ताकि सारी जो पॉपुलेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो सके. मैस पावर्टी एंड लेस पर कैपिटा इनकम, एक और जो इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता थी, गरीबी निर्धनता अधिक थी और जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम थी कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज. डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी प्राकृतिक साधन थे हमारे पास, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता थी. तो इसके लिए 8 दिसंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट पेश किया था लोकसभा में, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसका चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन का. इस तरह से हमारे पास जो प्लानिंग कमीशन है उसको जो फाइव ईयर प्लान है वो क्या थे. In 1950, planning commission was set up under the chairmanship of Pandit Jawaharlal Nehru. It was to formulate plans for the economic development of the country on the basis of available physical, capital and human resources. जितने भी भौतिक, पूंजीगत और human resources हैं, उन जितने भी available resources हैं, उनकी economic development के लिए कुछ plans बनाए गए. और so the different functions of economic planning, उनके different functions क्या थे? सबसे पहले थे to estimate the physical, capital and human resources of the country. Country में जितने भी फिजिकल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको एस्टिमेट करना, फिर उनके लिए एक ऐसा प्लान बनाना ताकि उनको इफेक्टिव और बैलेंस उनका यूटिलाइजेशन हो सके. जितने भी रिसोर्सेज हैं फिजिकल, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके लिए प्लानिंग इस तरह से करना ताकि उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सके. टू डिटरमिन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, कि वो स्टेजेस क्या हैं, कि कहाँ कहाँ पर हमें प्लानिंग की आवश्यकता है. टू इंडिकेट दोज फैक्टर्स टू द गवर्नमेंट विच चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन फैक्टर्स को देखना, इंडिकेट करना कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए. टू एडवाइज द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन स्पेशल मैटर्स रेफर्ड, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल मैटर्स हैं उनके लिए भी एडवाइज करना कि वो कौन से हो सकते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. व्हेन अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट,
कीपिंग इन व्यू द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जितने भी देश में रिसोर्सेज हैं चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको कंसीडर करते हुए मेक्स एन अटेम्प्ट टू रेगुलेट इकोनॉमिक फैक्टर्स टू अचीव प्री डिटरमिंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाते हैं प्री डिटरमिंड ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने के लिए इकोनॉमिक फैक्टर्स को रेगुलेट करते हुए, ताकि हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम प्री किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड में उनको हम अचीव कर लें. सो इंडिया हैज लॉन्च्ड ए प्रोग्राम ऑफ 5-year प्लान्स टू मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इंडिया ने 5-year प्लान्स का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं भी कहते हैं, ताकि हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज कर सकें और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकें. तो ये हमारे 5-year प्लान्स की ड्यूरेशन है कि हमारे जो 5-year प्लान्स थे वो किस किस तरह से उनकी ड्यूरेशन क्या थी, वो किस कितने कितने साल तक चले. तो फर्स्ट जो 5-year प्लान था वो हमारा 1951 को स्टार्ट हुआ था अप टू 1956 से लेकर 1956 तक था. और इसका जो मेन इसमें हमारे पास आउटले था, ग्रोथ रेट थी जीडीपी, वो 3.7% थी. और टोटल जो आउटले था वो 1960 करोड़ था, 1960 करोड़. और इस प्लान में फर्स्ट 5-year प्लान में थे, प्लान में जो हमने प्लानिंग अडॉप्ट की थी वो ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव थी. इट मीन सभी सेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी गई थी, फिर भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर था वहाँ वो एग्रीकल्चर सेक्टर था. सेकेंड 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान जो 1951 से लेकर 61 तक चला था, ये एक महला नोबिस मॉडल उसके ऊपर बेस था, उसके ऊपर बेस था. और इसमें जो विकास किया गया था वो ज्यादातर उद्योगों का विकास किया गया था. थर्ड 5-year प्लान जो हमारा 1961 से लेकर 66 चला, और थर्ड 5-year प्लान के बाद हमारी जो प्लानिंग कमीशन है वो जो हमारा न्यू प्लान था, फोर्थ प्लान जो स्टार्ट होना था 66 से, वो प्लान नहीं स्टार्ट होकर वहां पर हमारे 3 1-1 ईयर के प्लान थे. 1975 से 1980 तक. उसके बाद कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, कंट्री की सिचुएशन थी काफी स्टेग्नेंट, काफी हमारे पास काफी लॉसेस हो गए थे. जो इंडस्ट्रीज थी उनके लॉस के कारण, सिक इंडस्ट्रीज के कारण, हम यहाँ 8-5-year प्लान 90 से शुरू ना किए करते हुए हमने 8-5-year प्लान 92 से शुरू किया. तो बीच में 2 annual प्लान थे, 1990 से 1991 और 1991 से 1992. और जो 11th 5-year प्लान की जो ड्यूरेशन थी वो 2007 से 2012, और जो लास्ट हमारा 12th 5-year प्लान है, प्लान था 2012 से 2017. उसके बाद अभी तक कोई नया प्लान 13th 5-year प्लान नहीं शुरू हुआ, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन है उसको बदलकर नीति आयोग बना दिया गया है. जो कि हम जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसमें हम करेंगे कि जो नीति आयोग है और प्लानिंग कमीशन है वो उसमें क्या डिफरेंस है, और वो किस तरह से जो नीति आयोग है वो किस तरह से सजेशन देता है, और प्लानिंग कमीशन का काम अब किस तरह से होता है वो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड में देखेंगे. तो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग की फीचर्स क्या थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फीचर थी दैट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक. जो हम इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग है उसका जो पैटर्न है वो डेमोक्रेटिक पैटर्न है. इसका मतलब जो प्लान्स है आर फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन एंड अप्रूव्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है वो सभी चीफ मिनिस्टर्स
स्टेट जितने भी हैं देश में उसके मेंबर्स होते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, और उनका जो हेड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो राज्य सरकार है जनरल पब्लिक है वो फाइबर प्लांट्स के लिए एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन देती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंट सेक्टर्स, इसमें सभी सेक्टर्स को लिए गए हैं, दैट मीन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, सभी सेक्टर्स को इसमें लिए गए हैं, और सभी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्टेप्स टास्क किए जाते हैं जो सभी सेक्टर्स को हम अलॉट करते हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर है उसकी उसका जो मेन रोल है वो बेसिक और की इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने का, जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज होती है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो काम है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री जो कंजम्पशन की गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो जो हमारे प्लानिंग कमीशन है वो डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर चलता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल प्लान एंड स्टेट प्लान, इंडिया में दोनों तरह के प्लान काम करते हैं, सेंट्रल प्लान भी और स्टेट प्लान भी। हर फाइव ईयर प्लान में दोनों के लिए सेंटर के लिए और स्टेट के लिए अलग अलग से उनका आउटले बनाया जाता है, और जो सेंट्रल प्लान है वो प्लानिंग कमीशन के अंडर आता है, जबकि जो स्टेट प्लान है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल प्लानिंग, फोर्थ पॉइंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो की जाती है, इसका मतलब है कि ज्यादातर जो प्लानिंग कमीशन है वो इस पर फंड्स को एलोकेट करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स को, ताकि जो डिफरेंट सेक्टर्स के टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सके। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका इम्पोर्टेंट रोल है। जो सारी प्लानिंग हम करते हैं टोटल आउटले, किस सेक्टर पर कितना खर्चा करना है, किस तरह से किस सेक्टर को एक्सेस उनकी स्पेंडिंग किस तरह से होगी, वो जो सारे टारगेट्स किस तरह से पूरे करने के लिए वो सारी फाइनेंशियल प्लानिंग हम प्लानिंग में करते हैं। डिफाइंड टाइम पीरियड, हर एक जितने भी प्लान्स हैं उनके डिफाइंड टाइम पीरियड होते हैं कि जो भी हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने के लिए उसके लिए पूरा डिफाइंड टाइम पीरियड है, जैसे कि फाइव ईयर ड्यूरेशन का है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस कुछ छोड़ के अदरवाइज जो हमारी प्लानिंग है वो फाइव ईयर प्लानिंग रही है। सेट ऑब्जेक्टिव्स, इंडिया की जो प्लानिंग है प्लानिंग कमीशन है उसके कुछ सेट ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि उद्योगिकीकरण को बढ़ाना, बढ़ावा देना, पावर्टी को रिड्यूस करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, इनइक्वालिटीज को कम करना, इनकम को बढ़ाना, जीडीपी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना। तो ये हमारे कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए प्लानिंग की जाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, सारी जो स्कीम्स बनाई जाती हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और सारे के सारे वही सभी के लिए एग्जीक्यूट किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दोनों तरह की प्लानिंग तैयार की जाती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो शॉर्ट टर्म हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं उन वो भी एक तरह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है, और शॉर्ट टर्म के जो ऑब्जेक्टिव्स जब हम अचीव कर लेते हैं फिर उन्हीं को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ऐड करते जाते हैं। स्लोगन्स, डिफरेंट जो प्लान्स हैं उनके अलग अलग स्लोगन भी रहे, जैसे कि हमारे पास स्लोगन था रिमूवल ऑफ पावर्टी, सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पावर्टी, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। जो 12th फाइव-ईयर प्लान था उसका हमारा स्लोगन था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ विद इक्विटी। अलग अलग प्लान्स के अलग अलग इस तरह से स्लोगन भी रखे हैं हमने कि इस प्लान के हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें ये चीजें अचीव करनी है कि हमारे जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट होनी चाहिए, सस्टेनेबल हमने करनी है, इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो वो हमारे इस तरह के स्लोगन रखे गए हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मीन्स सभी सेक्टर्स को लेकर हमने डेवलपमेंट करनी है, नॉट अ सिंगल सेक्टर, लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड ट्रांसपोर्ट जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी को लेकर हमने प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के वो क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम।
किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है। और अगर जो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग का वो यही है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम और इनकम है ग्रोथ रेट वो हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी और जिससे कि फर्दर हमारा प्रोडक्शन और फिर अगेन इनकम इंक्रीज होती है। सेकेंड है रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। किसी भी कंट्री का एक मेन, अगर वो इकोनॉमिक वेलफेयर करना चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती है, तो उसका एक मेन पर्पज होता है कि जो इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं, धन की असमानताएं, उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए। क्योंकि जो हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होती है वो ज्यादातर उससे फिर क्लास स्ट्रगल होता है कि जो रिच पीपल है वो और रिच हो जाते हैं, पुअर पीपल और पुअर होते हैं। उससे बचने के लिए सरकार जो इनइक्वालिटीज है उनको रिड्यूस करती है, इनइक्वालिटीज टू ऑफ इनकम। नेक्स्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी, जैसे कि मैंने स्लोगन भी था हमारी एक उसका, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की, गरीबी हटाओ। तो सरकार का एक जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना। क्योंकि अगर हम पॉवर्टी को रिड्यूस करते हैं तो उससे जो हमारी पॉपुलेशन है वो लार्ज जो सेक्शन है पॉपुलेशन का वो काफी ज्यादा पॉवर्टी के नीचे रह रहे हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो पॉवर्टी को रिमूव करना है। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस दैट मस्ट रिमेन स्टेबल। अगर प्राइसेस स्टेबल होंगे तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन नहीं होगा और डिफ्लेशन थोड़ा कम, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से इकोनॉमी को बचाने के लिए भी सरकार प्राइसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ये रिलेटेड है हमारा कि अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तभी लोगों की जो गरीबी है वो दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको इनकम होगी, इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करने से उनके पास जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है वो भी सारा का सारा सेल हो जाएगा। तो इम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना भी सरकार का मेन मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो सभी लोगों को, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैं उनको अपनी पॉवर्टी रिमूव करने का, अगर वो गरीब लोग हैं तो उनको इस चीज को भी दूर करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि जितने भी पुअर पीपल हैं उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि कम से कम, ताकि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ना किया जा सके रिच पीपल्स के द्वारा, और उनको सोशल सिक्योरिटी, पुअर पीपल को, एक्सप्लॉयटेड क्लास को, अगर उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी उनके पास होगी तो फिर वो अर्थव्यवस्था में अच्छे से अपना काम करने के लिए विलिंग होंगे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, रेलवेज, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक मेन मकसद ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करने में काफी काम करती है कि अगर हम कैपिटल पूंजी का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सेविंग्स होनी चाहिए, सेविंग्स के बाद उसके इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो अगर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होंगी तो हम अपने कैपिटल फॉर्मेशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी, उसके बाद जब अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की कोई क्लैमिटी आ जाती है, किसी भी तरह का कोई, जैसे युद्ध है 1971 में हुआ, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उससे उभरने के लिए भी, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन करना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल रिसोर्सेज हैं, उनका फुल यूटिलाइजेशन करना। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मींस कि अगर अर्थव्यवस्था में
सेल्फ सफिशिएंसी है, दैट मींस जितने भी अर्थव्यवस्था में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो अपने देश के देश के जितने भी पीपल्स हैं उनका गुजारा करने में हेल्प करता है, तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर हम उनको वस्तुओं को बाहर से मंगवाते हैं तो बहुत सारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे बाहर चली जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स, जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर हैं उनको अगर हम मॉडर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं कि ताकि हमारे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में नई नई स्कीम्स आए, नई नई हम टेक्नोलॉजी अपनाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको मॉडर्न करने के लिए भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम अचीव करने के लिए जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हमने बात की थी ये हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें कि एक अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, डिफरेंट टाइप्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव जनरल प्लानिंग एंड पार्शियल प्लानिंग। तो कॉम्प्रिहेंसिव जनरल प्लानिंग क्या है कि इट रेफर्स टू प्लानिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, पावर, सोशल सर्विसेज एक्सेट्रा एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एलोकेटेड अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। जो कॉम्प्रिहेंसिव जनरल प्लानिंग है उससे हमारा मतलब क्या है कि जब अर्थव्यवस्था में सभी सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, इरिगेशन है, यहाँ पर जितने भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट किए जाते हैं। तो इससे एक हमें यह फायदा होता है कि ये लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ है और सभी सेक्टर्स को हम इसमें शामिल करते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जनरल प्लानिंग का एक लॉस भी है, एक हमारे डीमेरिट जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को ही प्रमोट करना है या उसी के लिए हमें आवश्यकता है तो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर सभी सेक्टर्स को फंड्स एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। इसी में हमारे पास है पार्शियल प्लानिंग, इट रेफर्स टू द प्लानिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इन दिस ओनली ए पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज एलोकेटेड, इट इज शॉर्ट टर्म मेथड व्हिच इज अडॉप्टेड टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में किया था कि सभी सेक्टर्स को वो रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं, लेकिन पार्शियल प्लानिंग में अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर को वो करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हमें पर्टिकुलर सेक्टर के लिए फंड्स इन्वेस्टमेंट एलोकेट कर सकते हैं, उसके लिए मोर स्पेसिफिक हम प्लान बना सकते हैं। तो ये तो इसके फायदे हो गए, और इसके डीमेरिट भी है कि इट इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है उसको इग्नोर करता है, और एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हो सकता है कि पहले से ही वो सेक्टर डेवलप है और हम दोबारा से उसी सेक्टर को डेवलप कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड है फिजिकल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग मींस That type of plans are made keeping in view the physical resources of the country. जितने भी country के physical resources हैं उनको consider करके plans बनाए जाते हैं। Target of production of food grain, cloth, sugar, steel are fixed by taking consideration of available physical, human and capital resources of the country. जितने भी country के resources हैं, चाहे वो physical, human and capital resources हैं, उनको ध्यान में रखकर सभी के लिए target fix किए जाते हैं। तो एक पीरियड में हम यहाँ पर जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनके लिए टारगेट फिक्स करते हैं, और किसके लिए क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरह से प्रोड्यूस करना है। फिजिकल प्लानिंग टोटली बेस्ड होती है फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। व्हाइल व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में जो टारगेट्स हैं आर फिक्स्ड इन मॉनेटरी टर्म्स नॉट इन फिजिकल यूनिट्स। इसमें मॉनेटरी टर्म्स में टारगेट फिक्स किए जाते हैं, जैसे कि हमें ग्रोथ रेट अगर हमें 5% चाहिए, 7% चाहिए, तो फिजिकल फाइनेंशियल टर्म्स में जब हम टारगेट फिक्स करते हैं। In this planning, it is to be decided that how much amount is to be spent on different sector, that is agriculture, industry, etc. And also decided that what should be achieved in physical terms, कि किस तरह से हम उसे physical terms में उसको achieve कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो allocation है वो totally financial उसमें है, monetary terms में है।
जितने भी फंड्स अवेलेबल होते हैं वो पहले से ही पता होता है और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन विच द फ्रेमिंग, अडॉप्टिंग, एग्जीक्यूटिंग, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान इज डन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि जितना भी प्लानिंग है कि कैसे क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अडॉप्ट कैसे करना है प्लान को, एग्जीक्यूट कैसे करना है, सुपरवाइज करना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, वो सभी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मीन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसे हम प्लानिंग को टॉप टू बॉटम भी कह सकते हैं क्योंकि ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है। दिस प्लान डिटरमाइंस द इक्वालिटी एंड कोहेसन, ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन इन अकॉर्डेंस विद गोल्स एंड टारगेट्स फिक्स्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ऐसा जनरली उन देशों में होता है जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, ये जहां पर जो सारे डिसीजंस है वो टॉप टू बॉटम लिए जाते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सारे डिसीजन लेती है और वो फिर आगे फर्दर उनको स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को अपनाने पड़ते हैं। तो वो हमारे पास होती है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसे हम प्लानिंग फ्रॉम अबव भी कह सकते हैं। जितनी भी बेसिक पॉलिसीज हैं, टारगेट्स हैं, वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही बनाती है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या है कि प्लान इज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बाय कंसल्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द कंट्री। और इस प्लानिंग को हम बॉटम टू टॉप भी कहते हैं कि सभी से सजेशंस मांगी जाती हैं, ओपिनियंस मांगी जाती हैं, उसके बाद ही जो प्लानिंग है वो की जाती है। और इकोनॉमिक फ्रीडम होती है कंजम्पशन की, प्रोडक्शन की एंड एक्सचेंज की, एंड प्राइसेस डिटरमिन बाय मार्केट मैकेनिज्म इवन दो गवर्नमेंट कंट्रोल के साथ साथ जो प्राइसेस हैं वो मार्केट मैकेनिज्म से डिटरमिन किए जाते हैं। तो जो सेंट्रलाइज प्लानिंग है वो टॉप टू बॉटम है और जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है वो हमारी बॉटम टू टॉप है। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें है कि चॉइस बिटवीन सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है दैट इज सुपीरियर टू सेंट्रलाइज प्लानिंग एज इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द इकोनॉमी। And in centralized planning, plan is formulated by central authority. On the other hand, decentralized planning is formulated by the central authority by consulting with related. जो democratic countries हैं उनके लिए हम ये कहेंगे कि decentralized planning ही होती है क्योंकि वहाँ पर जितने भी decisions हैं वो सारे के सारे सबसे जो consult करके ही लिए जाते हैं। So we can say that decentralized planning is better. नेक्स्ट हमारे पास इसमें है नेक्स्ट जो प्लानिंग बाय डायरेक्शन एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट। इन प्लानिंग बाय डायरेक्शन में जितनी भी प्लानिंग की जाती है वो सारी सारी प्राइवेट, इसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, सारा देयर विल बी वन सेंट्रल अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लान डायरेक्ट एंड ऑर्डर्स। और जितने भी प्लान्स की एग्जीक्यूशन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। जिस तरह की प्लानिंग है वो हमारे पास रशिया, चाइना, क्यूबा में है। जिस तरह की कंट्रीज हैं वहाँ पर प्लानिंग बाय डायरेक्शन है कि देयर इज नो फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। एंड प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स बाय ऑफरिंग देम नेसेसरी इंसेंटिव्स। जो भी नेसेसरी इंसेंटिव्स हैं उनके बाद हम उनसे वो ले ली जाती हैं, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको उनको ऑफर किए जाते हैं इंसेंटिव्स ताकि वो भी आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। private sector is induced to produce, consume and distribute according to the set targets through the medium price mechanism. और जो इस तरह की this type of planning is mainly found in mixed economy like India. Next हमारे पास है prospective short term and prospective and perspective long term planning. तो जैसे नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज दैट प्लानिंग जो कि आगे फर्दर नियर फ्यूचर के लिए उसमें टारगेट सेट किए जाते हैं, दैट इज मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड दीस प्लान्स आर मेड कीपिंग इन व्यू द करंट बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग वेयर टारगेट्स आर फिक्स फॉर लॉन्ग पीरियड से 15 to 25 years। इट इज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स
एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स. शॉर्ट टर्म प्रोग्राम जब हमारे अचीव हो जाते हैं तो उन्हीं को ही हम लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए एक तरह से ग्राउंड बना देते हैं. तो ये हमारे पास है पर्सपेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग. नेक्स्ट है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्लानिंग. व्हाट इज फंक्शनल प्लानिंग? इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग देयर इज नो नीड टू बिल्ड अप न्यू स्ट्रक्चर. कोई नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है. जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी को ही करेक्ट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है. एंड इट विल ओनली रिपेयर नॉट बिल्ड अ न्यू, क्योंकि केवल पुराने स्ट्रक्चर को ही न्यू फॉर्म में चेंज किया जाता है और इम्प्रूव किया जाता है. एंड दिस प्लानिंग ब्रिंग्स नो चेंज इन द इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप. जो स्ट्रक्चर प्लानिंग है इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग प्रेजेंट सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज चेंज एंड अ न्यू स्ट्रक्चर इमर्ज. It can help in accelerating the pace of economic development. तो जो फंक्शनल प्लानिंग है उसमें पुराना स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर कोई पुराना घर है, पुराना कुछ भी है, उसी में ही आगे फर्दर रिनोवेशन करनी, तो वो हमारा फंक्शनल प्लानिंग है कि कोई नया स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जाएगा. जबकि स्ट्रक्चरल प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि टोटल न्यू स्ट्रक्चर बनता है. जो दी कंट्रीज लाइक रशिया एंड चाइना फॉलो द स्ट्रक्चरल प्लानिंग. नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन प्लानिंग. डेमोक्रेटिक प्लानिंग द प्लान दैट प्रिपेयर्ड विद द कंसेंट ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव. जितनी भी डेमोक्रेटिक का मतलब वही लोकतांत्रिक, भी सभी पीपल्स की रिप्रेजेंटेटिव की कंसेंट लेके बनाए जाते हैं. पीपल उसमें इकोनॉमिक सोशल रिलीजियस फ्रीडम फील करते हैं, इंजॉय करते हैं. पीपल आर फ्री टू कंडक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, वो सभी उसमें इंजॉय कर सकते हैं. और उसमें बहुत प्राइस मैकेनिज्म एंड गवर्नमेंट डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट. लाइक इंडिया, इंडिया में जो प्लानिंग की जाती है वो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है. नेक्स्ट है टोटलिटेरियन प्लानिंग. इन दिस इसे ओपोजिट है, जिसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आर कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट. जितने भी ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. All economic activities like foreign trade, foreign capital, foreign investment, सभी control government के control में ही होते हैं कि क्या production होगा, क्या distribution होगा, completely under the control of government. तो ये हमारे पास है democratic planning, जो कि India का है. Totalitarian planning, ये India में ना होकर ये जो दूसरी communist countries होती हैं वहाँ पर होता है इस तरह से. So these are the different types of economic planning. So thank you. Have a nice day.